हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंडिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे द टैली प्राइम्स न्यू रिलीज 2.0 और आज हम इसके सारे फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ मेन फीचर है वो है ईवे बिल का। आप सेपरेटली ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं और आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, पार्ट टू भी अपडेट कर सकते हैं। सारी चीजें विद इन टैली के ही आपको ईवे बिल भी मिल जाएगा, प्रिंट आउट भी मिल जाएगा ईवे बिल का। ओके, सो आपको कोई भी एक्सटर्नल ऑनलाइन जाके बनाने की जरूरत नहीं है, पोर्टल पे जाके आपकी सारी चीजें यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो और अपडेट्स आए हैं, एक तो GSTR रिटर्न अपडेट हो गया, जिसमें GST का जो परसेंटेज कॉलम था वो आपको अब मिल जाएगा और आपके रिटर्न्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमने फाइल मैनुअली दी थी एक लास्ट वीडियो में, उसकी अब कोई नेसेसिटी नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में आ चुका है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन उन्होंने दिया है, वो है सेव रिपोर्ट्स का। आप कोई भी अपनी रिपोर्ट जिस हिसाब से व्यू करना चाहते हैं, आप उसको व्यू करके सेव रिपोर्ट पे क्लिक करके आप उसको एक नेम दे दीजिए और कभी भी आप उस रिपोर्ट पे जाके उसी व्यू में आप अपनी रिपोर्ट देख पाएंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा एसेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कि ये सारे रिपोर्ट्स टैली प्राइम के मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कर दिए गए। आप जानते हैं टैली सॉल्यूशंस वाली वेबसाइट पे जाके आप इसको अपनी डेटा को देख सकते हैं, उसके रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या जो भी आपके रिपोर्ट्स हो टैली प्राइम, वो आप सारे ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। उसको उन्होंने काफी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बना दी है, मोबाइल से अब हैंडलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ईजी कर दिया है। और एक और बढ़िया फीचर डाल दिया है, वो है जीएसटी आप वैलिडेट कर सकते हो और HSN नंबर और HSN कोड भी वैलिडेट कर सकते हो विद इन टैली प्राइम। आपको जस्ट एक बटन पे क्लिक करना है और जो पोर्टल पे उसकी क्या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, सारी डिटेल्स वो आपको मैचिंग के लिए दिखा दे। तो ये फीचर हमने टैली पोस्टर में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, सो आप उसको नो कर सकते हैं और टैली प्राइम का डिफॉल्ट फीचर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी काफी सारे ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैली प्राइम्स न्यू रिलीज 2.0। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैली प्राइम में ईवे बिल जनरेट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है। यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम ईवे बिल के पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे हमने रजिस्टर करना है और वहां पे GSP एज टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करना है और यूजर नेम पासवर्ड API का क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए आपको URL ewebill.nic.in पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन में ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, ओके। इस पे आप क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप अपना GST नंबर भर के और जो भी आप यहाँ पे रिकैप्चा कोड रहता है क्लिक करके आपकी कंपनी की डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगी। साथ में मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रहेगा जो आपको एक OTP वेरीफाई करने के लिए कहेगा। और एक बार आपका OTP वेरीफाई हो जाए तो आपके पास में आप यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप इसको लॉग इन कर लेते हैं पोर्टल के अंदर, ठीक है, तो आपको क्रिएट करना है एक API यूजर। सबसे पहले आप ईवे बिल के अपने सिस्टम पे आ गए, यहाँ पे आपको साइड में लॉग इन बटन मिलेगा, आप लॉग इन कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। यहाँ पे हमने रिकैप्चर भर दिया और ये हमारा हो जाता है लॉग इन, ओके। नेक्स्ट हमने होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन और इसके अंदर हमने लिखना है फॉर GSP GST सुविधा प्रोवाइडर, ओके। दोबारा ये आपको एक OTP की लिंक भेजेगा, वो आपने वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर जो भी OTP आएगा वो आप लिख के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है एड न्यू, ओके। और GSP में मेन चीज आपको लेना है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, GST सुविधा प्रोवाइडर में ऐड न्यू में आपको जो नेम मिलेगा, आप टैली सॉल्यूशंस नाम में ढूंढिएगा, आपको जो नाम मिलेगा टैली का वो है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो आपको यहाँ पे ये वाला नाम सिलेक्ट करना है एज योर GSP। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ये यह आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। इसके आगे आपने अपने लेटर्स लिख देने हैं, ठीक है।
तो ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा जो कि आपको टैली में फीड करना होगा। ओके, इसका आपने पासवर्ड डाल दिया और ये फिर आपका क्रिएट। तो ये आप अपने डिटेल्स लिख के रखिएगा जो आप यहाँ पे एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, ये आपके एज अ लॉग इन डिटेल्स रहेंगे इन टैली प्राइम। चलिए ये अब हम प्रैक्टिकल देखें। प्री रिक्वेस्ट हमारा कंप्लीट है। तो टैली में आप सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब हम फिलहाल एक ईवे बिल बना के देखते हैं सेल बिल पे। ओके, तो यहाँ पे हम एफेट करके सेल्स ले लेते हैं और यहाँ पे कोई भी वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल जो मेरी कंपनी है वो है उत्तराखंड की। ओके, और पार्टी हम ले लेते हैं कमल ट्रेडर्स कर्नाटका। तो ये एक हमारा इंटरस्टेट बिल है। ओके, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन पूरा। ये ले लेते हैं बॉल पॉइंट पेन्स और क्वांटिटी कुछ 120 के आसपास ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें टैक्स जो भी है वो पुट अप कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पे तो ईवे बिल कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आ गया ईवे बिल डिटेल्स। यस, यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मेरी अपने आप से फिल हो जाएगी। और ये दोनों जो आपको पोर्टल पे जितने ऑप्शंस मिलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप एंड सब टाइप के, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे एग्जैक्टली दी गई है। सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पार्टी के साथ में हमने पहले ट्रांजेक्शन किया हुआ है, इसलिए ये जो स्टेट है, ये डिस्टेंस है, ये अपने आप से आ रहा है यहाँ पर। वैसे अगर आपको डिस्टेंस ना पता हो तो आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो ईवे बिल जनरेट करेगा तो डिस्टेंस एंड किलोमीटर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ओके, और यहाँ पे हम हमारा ट्रांसपोर्टर का नेम ले सकते हैं, उसकी आईडी आ गई। और यहाँ पे मोड ले लेते हैं रोड, डेट डेट डाल देते हैं 1 जुलाई सपोज, व्हीकल नंबर टाइप कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और व्हीकल टाइप रेगुलर। ओके, तो ये मेरे ईवी बिल की डिटेल्स हमने सारी के सारी कंप्लीट कर दी गई है। ओके, अब ये बिल सेव कर लेते हैं। जैसे हम बिल को एक्सेप्ट करेंगे वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन, क्या आपने ईवे बिल अभी जनरेट करना है। यस, व्हेन आई आस्क यस, तो यहाँ पे ये यूजर नेम और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे हमारे सैंडबॉक्स की डिटेल्स यूज कर रहे हैं। सो ये एक जस्ट हम सैंडबॉक्स पे ट्रायल करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका जो एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना है, और इसकी वैलिडिटी रहेगी वही 8 आवर्स तक, ठीक है, जब तक टैली बंद नहीं होता। अगर आपका टैली बंद हो जाएगा तो ये लॉग इन डिटेल्स यहाँ से हट जाएंगे, सेम एज ऑफ ई इनवॉइस। ओके, और ये हमारा ईवे बिल जनरेट हो गया है। ओके, सो इसमें लिख के आया द डिटेल्स आर अपलोडेड इन द ट्रांजेक्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सेल बिल के प्रिंट के नेक्स्ट जो आएगा प्रिंट आउट वो रहेगा ईवे बिल का। और इस तरीके से हमारा ईवे बिल बन गया है टैली में। आपको कोई भी ना पोर्टल पे जाने की जरूरत पड़ेगी ना किसी और थर्ड पार्टी का इंटरव्यू, अब ये टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट है। अब देखते हैं ईवे बिल की रिपोर्ट। जब आप अल्ट जी करेंगे आप यहाँ पे ईवे बिल टाइप कर सकते हैं। ओके, ये ईवे बिल का हमारे पास में ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बिल जनरेटेड आपके विद पार्ट बी कंप्लीटेड, ईवे बिल की इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर आपके पास में आ रही है। ये वाले बिल हमने अभी जस्ट जनरेट किया है, राइट है। अब इसमें से काम करते हैं जो आपका ईवे बिल का नंबर है, ठीक है, ईवे बिल नंबर हम डिलीट कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे हम ऑफकोर्स हम ईवे बिल का नंबर डिलीट कर दे रहे हैं, वो एम्प्टी है, तो वो हमें पूछेगा कि आपको ईवे बिल जनरेट करना है। फिलहाल इसको कर देते हैं नो। सपोज आपका किसी भी रीजन से पार्ट बी आपने ऑनलाइन भरा है या किसी और ने भरा है, ओके, और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए, यानी आपका ईवे बिल जनरेट बाहर से हुआ है हाफ पार्ट, आपने बस साइड में बटन पे क्लिक करना है गेट ईवे बिल इन्फो। ओके, F6 आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, आप इसको यस करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसने पोर्टल से ले लिया, इसमें सक्सेसफुली सेंड होके इस ट्रांजेक्शन में ईवे बिल नंबर भी अपडेट हो गया है। ओके, तो आप यहाँ पे नीचे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं और आप इसके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपकी ट्रांजेक्शन आ गई और ये आपका ईवे बिल आ। अब सपोज हम पार्ट बी फिलअप नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमारा सपोज ट्रांसपोर्टर करता है। चलिए ये देखिए ऐसे सिनेरियो में क्या करना है। फिलहाल हम अलजी करके क्रिएट वाउचर कर लेते हैं। ओके, सेल बिल बना लेते हैं। अब सेम पार्टी ले लेती हूँ एक बार। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा पार्ट बी है वो हम फिल नहीं करके। ओके, ये आईजीएसटी हो गया, ये हम यस कर लेते हैं, इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ओके, मैं ट्रांसपोर्टर का नेम लिखती है और बस मैं इसको ऐसे ही सेव कर ले रही हूँ। पार्ट बी डिटेल में कोई भी डिटेल नहीं फिलअप कर रही, ठीक है,
इसको मैंने एंट्री को सेव कर लिया, ये मुझे पूछा डू यू वांट टू जनरेट वेरिएबल, यस ये मेरा जनरेट हो गया है। ओके अब हम जाते हैं अल्ट जी करके वेरिएबल पे। जब आप इसमें जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको अलग सेक्शन मिलेगा विदाउट पार्ट बी, ओके यानी कि जिसमें हमारा पार्ट बी डिटेल्स नहीं भरा हुआ है वो आपको सेपरेट हेडिंग में मिलेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसकी अपडेट पार्ट बी की साइड में देखिए आपको बटन मिलेगी F7 ओके, जो भी ट्रांसपोर्टर से आपको डिटेल्स आती है पार्ट बी के बारे में आप यहाँ पे अपडेट पार्ट बी करके यहाँ पे फिलअप कर सकते। ओके सो इस तरीके से आप अपना पार्ट बी जितनी मर्जी चाहे जो भी चेंजेस है आप यहाँ पे अपडेट कर सकते। अब चलिए पूरी रिपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट तो है इसमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन स्टेटेड। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वो सारे आपके ट्रांजेक्शन जिसमें एंट्री लेवल पे कुछ ना कुछ एरर हो टैक्सेशन की या कुछ और चीज़ों की, जो यहाँ पे आपके फर्स्ट हेड में दिखा देगा, इसमें से जब आप इसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो ये आपके रेडी फॉर ईवेबल जनरेशन वाले हेड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये हमें कुछ चार ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं कि आपके टैक्स मॉडिफाई हुआ है या अलग अलग चीज़ें जैसे आपको हर एक रिपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ईवेबल नॉट प्रोवाइडेड, आपने ईवेबल की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाली नहीं है जैसे ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं डाला है या आपने सब टाइप नहीं सिलेक्ट किया है, ऐसे एरर्स इसमें आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट है रिजेक्टेड बाय ईवेबल सिस्टम। देखिए रिजेक्टेड बाय ईवेबल सिस्टम में क्या बहुत बार ईवेबल बनाने की कोशिश करते हैं बट सिस्टम जो है वो रिजेक्ट कर देता है, उसके बहुत सारे पॉसिबल एरर्स ये यहाँ पे दिखा देता है। ओके सो यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके एरर्स हो सकते हैं जैसे कि आपने HSN कोड गलत डाला हो या आपने स्टेट कोड रॉन्ग डाला हुआ हो सप्लायर का। ओके इसमें ये सारे आपके एरर्स ये शो करता है, आप इसको जो भी पॉसिबल एरर्स जो लिखे हैं आप उसको रेक्टिफाई करके मॉडिफाई करके दोबारा से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब जैसे ये लास्ट वाले में देखिए ये एरर है एनरोलमेंट नंबर का, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके ऑल ओवर बहुत सारे ब्रांचेस है। ओके ऑल ओवर कंट्री बहुत सारे ब्रांचेस है, एवरी ब्रांच के लिए उन्होंने सेपरेट GST नंबर से रजिस्ट्रेशन तो वो करते हैं बट वो एक कॉमन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर लेते हैं जो कि आपने फिर आप अपनी एंट्री में GST नंबर की जगह पे उनका कॉमन एनरोलमेंट आप नंबर पुटअप करोगे। ठीक है तो आप वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर कुछ 15 डिजिट्स का होता है वो आप अपने एंट्री में लिखेंगे और वो आपका वैलिड हो जाएगा। इस तरीके से जो रिजेक्टेड बाय ईवेबल सिस्टम है ये बहुत सारे एरर्स आपको बताएगी, आप जैसे भी ईवेबल जनरेट करते हैं इसमें जो भी आपको दिक्कतें फेस होती है वो इसमें बता देगा क्या रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास में है पेंडिंग फॉर ईवेबल जनरेशन, पेंडिंग फॉर ईवेबल कैंसिलेशन, जितने भी आपके जनरेट करना चाहते हैं ओके आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में फिलहाल दो ऐसे बिल्स हैं जो कि हमें हम ईवेबल जनरेट कर सकते हैं और जो हमने कैंसिल किया है उसके लिए आपके पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ओके एक्सपोर्टेड फॉर ईवेबल जनरेशन, जो आप ईवेबल जनरेट कर चुके हैं ईवेबल जनरेटेड विद पार्ट ए एंड विदाउट पार्ट बी, वो दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाती है और ईवेबल कैंसिल पोर्टल से या टेलीग्राम में वो भी आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम टैली प्राइम में से ही ईवेबल कैंसिल कैसे करें। ओके तो उसके लिए आप ईवेबल की रिपोर्ट पे जा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपके पास में दो आ रहे हैं विद पार्ट बी एंड विदाउट पार्ट बी, इसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है अब यहाँ पर साइड में आपको वैसे बटन मिल जाता है कैंसिल ईवेबल, या आप क्या कर सकते हैं एक्सचेंज वाली बटन से भी जाके इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है ईवेबल कैंसिलेशन के लिए सबसे पहले हम ईवेबल कैंसिल कर लेते हैं फिर इसे सेंड। So, यहाँ पर हमारे पास में एक ये वाली एंट्री है सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कैंसिल की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और अब हम जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है सेंड फॉर ईवेबल, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए। ओके सो इसको हमने सेंड किया यस किया और ये आपका ईवेबल कैंसिल हो गया। सो इस तरीके से आप टैली प्राइम में ही रहते हुए ईवेबल कैंसिल कर सकते हैं, आपको कोई पोर्टल पे जाने की दोबारा से जरूरत नहीं। ठीक है तो ये हमारा अवेलेबल कैंसिलेशन, सेम जो ई इनवॉइस में आपके पास में ऑप्शन थी एक्सचेंज वाली, बल्क आप अवेलेबल जनरेट कर सकते हो आप बल्क कैंसिल कर सकते हो, सेम ऑप्शंस है। नेक्स्ट फीचर है GST एंड HSN वैलिडेशन। जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं या आप उसको अल्टर करते हैं ठीक है उसके अंदर जो GST नंबर लिखा हुआ रहता है उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये लेजर खोला है ओके ये GST नंबर हमने ऑलरेडी फिट किया है, इसके यहाँ पे आप क्लिक करोगे गेट GST
हो, तो ये क्या करेगा, पोर्टल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा, यानी कि आपने क्या डाला है और पोर्टल के ऊपर उसके डिटेल्स क्या है। फिलहाल ये सैंडबॉक्स की डिटेल्स आ रही है इसलिए ये लिखा हुआ है, अदरवाइज वो शो करता है पोर्टल से कि इसका नाम, एड्रेस, पोर्टल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, सो आप मैच कर सकते हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में, आप क्या डाल रहे हो और पोर्टल पे क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, ये तो हो गया सिंगल लेजर का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आइटम। आइटम के अंदर आप HSN कोड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज ये बॉल पॉइंट पेन से ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका यहाँ पर HSN नंबर होता है अंदर, तो यहाँ पे आप साइड पे क्लिक कर सकते हो, गेट HSN इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपकी इस HSN कोड की जो आपने डाला है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल से वो शो कर देगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ये आ जाता है आपका सिंगल लेजर या सिंगल आपका आइटम। ओके, अगर हमने मल्टीपल सारे लेजर्स का देखना हो, सो आप यहाँ पे लास्ट अपडेट पार्टी जीएसटीएन पे जाके ऑल लेजर्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऑल लेजर्स पे क्लिक करके इसकी गेट जीएसटीएन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट बटन आई टेल, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो हर एक की सेंड करेगा और बता देगा किसकी सक्सेसफुली सेंड हो गई है, किसकी मिल गई है, किसकी नहीं मिली है। ओके, तो आप यहाँ पर आप प्रेस ऑन क्लिक करते हो तो देखिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप यस करके देख सकते हैं। जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उसके लिए वो नो रेड कलर में दिखा रहा है, जिसमें मिल गई वो उसको वैलिडेट कर दे रहा है। कि यहाँ पे आपका जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे ना, जिसके आगे इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे इसमें देखिए इवेबल ब्लॉक स्टेटस, इसको ब्लॉक किया गया है इसीलिए वो उसको रेड में नो दिखा रहा था, रेड कलर दिखा रहा था। ओके, क्योंकि ये इसका इवेबल ब्लॉक है। नेक्स्ट, इसमें अलग अलग रीजन आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सेंट, जिसमें भी आपको ब्लैक कलर में नो मिलेगा आप यस करोगे तो उसकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे नॉट सेंट में जेड आ रहा है क्योंकि इसमें 14 डिजिट ही लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर ही गलत है, 8 डिजिट लिखना भूल गया है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल लेजर्स भी वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखिएगा कि आपका ईवे बिल का एनआईसी का लॉगिन इसमें होना चाहिए टैली में, तभी जाके वो आपको जीएसटीएन की वैलिडेशन दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं गो टू पे जाके जीएसटी रेट की रिपोर्ट। जब हम जीएसटी रेट सेटअप पे करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट एचएसएन और एसएससी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दिखा दी है इन दोनों एचएसएन की। ओके, डिटेल भी आ गई है और जो ये वाला है इसके लिए कह रहा है कि इनवैलिड एचएसएन कोड है, आप चेक कर लीजिए। ये आपको रिपोर्ट जो एचएसएन की चेकिंग है ये आपको मिलती है जीएसटी रेट सेटअप में। ओके, तो इस तरीके से हमारा जीएसटी और एचएसएन वैलिडेट हम कर सकते हैं, बस आपके लॉगिन होना चाहिए ईवेबिल से। ओके, ईवेबिल के जो लॉगिन डिटेल्स है टैली में होंगे तो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक फीचर उन्होंने बाय डिफॉल्ट जीएसटी आर रिपोर्ट में जीएसटी परसेंट का कॉलम दे दिया है। सो जीएसटी आर वन में जब आप एचएसएन समरी पे जाएंगे, ओके, तो ये आपको टैक्स रेट का कॉलम मिल जाएगा। सो ये भी अपडेट इस वर्जन में कर दिया है। ओके, सो अब ये डिफॉल्ट फीचर है टैली में। सो आपको एक सेपरेट फाइल हमने दी थी उसको अब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया फीचर लेके आई है टैली प्राइम 2.0, वो है पावरफुल रिपोर्ट्स का। कन्वीनियंट टू पर्सनलाइज, कन्वीनियंट टू एक्सेस, यानी आप अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। आप जानते हैं टैली में बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बस आपको ड्रिल डाउन और फिल्टर्स लगाने पड़ता है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से कोई भी रिपोर्ट पर्सनलाइज कर सकते हो, उसको सेव करके रख सकते हो उस व्यू को, और जब मर्जी अल्ट जी करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए एक स्टॉक सेवरी रिपोर्ट खोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको चाहिए फॉर एग्जांपल आइटम वाइज हम प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको आइटम वाइज कर लिया, स्टॉक सेवरी को F5 दबा के यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया प्रॉफिट का, ठीक है। अब मैं एस्केप करके जैसे रिपोर्ट में वापस आऊंगी, देखिए मेरी सारी व्यू चली गई, जब दोबारा से करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज दोबारा से उसी रिपोर्ट के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। अब हम F5 करते हैं, ओके, स्टॉक वाइज कर लिया सबसे पहले, फिर शो प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया। अब आप यही व्यू हमेशा देखना चाहते हैं, ओके, तो आप यहाँ पे साइड में आपके पास में बटन है Alt L, सेव व्यू, ठीक है। यानी आपको दो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं कि आपने कहाँ कहाँ पे क्लिक करके आपके पास वो रिपोर्ट आई थी। ये मैंने क्लिक किया सेव व्यू वाले बटन पे। जब आप सेव व्यू करते हो वो नाम पूछते, भाई आपने इसको क्या नाम देना है, स्टॉक समरी, इसको देते हैं हम आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट हो गई है।
और इसको मैंने सेव कर लिया। अब हम सपोज एक और तरीके से एक और रिपोर्ट सेव कर लेते हैं, जैसे स्टॉक समरी है। अब इसमें मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे रेट ना शो हो और क्वांटिटी भी ना शो, इन दोनों को बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं, अब ये मेरे पास में सिर्फ वैल्यू आ रही है, और वैल्यूएशन कर लेते हैं सारे, ऑल वैल्यूएशन टाइप्स ले लेते हैं, ऑटो कॉलम स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स ले लेते हैं। देखिए अब मेरे फीफो डिफॉल्ट लिफो एनुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट एवरेज कॉस्ट हर तरीके से मुझे मेरी अमाउंट्स दिखेंगे, ठीक है, मेरे सारे आइटम्स की। अब इसको मैं व्यू को सेव करना चाहूंगी, ठीक है, मुझे वैल्यूएशन मेथड सबका ये मुझे व्यू करना है सपोज, तो ये हमने कर लिया अल्ट टाइप करके सेव व्यू पे क्लिक। और इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक समरी मल्टी वैल्यूएशन, ठीक है। अब ये हमारी रिपोर्ट दूसरी पे सेव हो गई, ठीक है। अब हमारे पास में दो व्यूज की हमने एक एक रिपोर्ट सेव कर ली है। अब जब भी आप अल्ट जी पे जाएंगे गो टू पे, तो गो टू में आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग दिखेगी सेव्ड व्यू। सेव्ड व्यूज में देखिए आपको ये दोनों रिपोर्ट्स नजर आ रही है, आप इसको खोलोगे तो आपको वही व्यू मिलेगा जो आपने सेव। चलिए एक और सिनेरियो देखते हैं कि सपोज आपको अपनी स्टॉक समरी सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे कि ओपनिंग हो गया, इनवर्ट आउटवर्ड हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये हमेशा आपको उसी व्यू में देखना है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम F12 में जाके ऑन कर लेते हैं इन सबको, ओपनिंग बैलेंस ऑन, इनवर्ट यस, आउटवर्ड यस, ओके। सो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ रही है, अल्ट F1 करके मैंने डिटेल कर लिया है। सो ये आइटम वाइज मुझे दिखा रहा है ओपनिंग इनवर्ड कितना, आउटवर्ड कितना, क्लोजिंग कितना है। अब मैं इसको सेव करूंगी तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, पहले तो हमारी रिपोर्ट को ओपनिंग एंड आउट क्लोजिंग रिपोर्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेट द एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। यानी कि अगर मैं इसको यस करके सेव कर लेती हूँ, तो जब भी आप स्टॉक समरी में फिर आओगे, ठीक है, अब आप दोबारा खोलोगे स्टॉक समरी, सो आपको ये सेम टू सेम वही व्यू दिखाएगा जो आपने सेव। इसी में एक दो चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगी कि सपोज आप ओनर हैं, ओके, और आपके पास में जितने भी आप अपने सेव व्यूज कर रहे हैं, आपके पास में सपोज बहुत सारी कंपनीज है एक पे, और आप जो ये सेव व्यू कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं ना कि यूजर्स के लिए, ओके। तो आप चाहते हैं ये सारी रिपोर्ट सिर्फ मुझे दिखाई दे, बाकी सबको ना दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज सेल रजिस्टर का। यहाँ पे हम डिस्प्ले अकाउंट बुक्स सेल रजिस्टर पे चल जाते हैं, और यहाँ पे हम अभी आ रहे हैं मंथली व्यू। आप चाहते हैं सपोज डेली व्यू देखना है इसका कि रोज की सेल मेरी कितनी हो रही है, ओके। तो आप उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले चेंज व्यू करके डेली ले लेंगे। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी सेव व्यू पे। अब आप यहाँ पे दो ऑप्शंस है, फर्स्ट एक तो हम इसको नेम दे देते हैं, ये जो हमारी एडिशनल जितने भी ऑप्शंस है, पहली ऑप्शन तो ये कि हम इसी पे देखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ सिर्फ ये मुझे ही दिखाई दे, तो मैं इसे ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर करूंगी, यानी इस कंप्यूटर पे जितनी भी मेरी कंपनीज है हर एक में मुझे ये सारे व्यूज मिल जाएंगे, ओके। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि जैसे ये सेल रजिस्टर है ये आपके सारे यूजर्स देखे और इस पे रोज ट्रेंड भी चल रहा है उस पे ध्यान दें, तो आप क्या कर सकते हो, दी कंपनी पे आप ऑप्शन लगा दोगे तो आपकी ये जो सारी जो रिपोर्ट्स है ये दूसरे पीसीज पे इस कंपनी में हर एक यूजर एक्सेस कर सकता है। यानी कि एक तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर, अगर आप ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर करते हैं और आप किसी दूसरे कंप्यूटर से जाके इस रिपोर्ट को देखना चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, ओके। सो इस तरीके से इसमें काफी सारे ऑप्शन है कि आप इसका पीरियड वगैरह भी सेव रख सकते हो, ना रखना हो, ओके। सो आप इसको यूज करके एक्सप्लोर कीजिए, ये ऑप्शन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट और एक बेहतरीन फीचर जो टैली प्राइम का न्यू रिलीज लेके आया है वो है ट्रिप, यानी कि जो टैली की जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप टैली सॉल्यूशंस वाली वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं, आपका जो टैली का .NET ID पासवर्ड होता है उससे ओनर्स वगैरह कर सकते हैं, बाकी आप अपने यूजर्स भी बना सकते हैं, ऑनलाइन कौन कौन एक्सेस कर सकता है कौन कौन नहीं कर सकता, टैली में जितने भी यूजर्स आप बनाएंगे,
जो जिसके लिए आप कहते हैं कि ये ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है टैली डॉट नेट आईडी, तो यहाँ पे वो यूजर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे हमने डेमो डाल के अभी फिलहाल लॉग इन किया है और आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी कंपनीज कनेक्टेड रहेगी वो यहाँ पे लिस्ट आउट आ जाएगी। आप अपनी कंपनी पे क्लिक करके उसके सारे रिपोर्ट के डिटेल्स ले सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये काफी ज्यादा इन्होंने चेंज कर दिया और काफी बेहतरीन इसे बना दिया गया है कि आप मोबाइल पे आराम से अपने एक्सेस देख सकते हैं, या टैबलेट यूज कर रहे हैं या आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं और किसी भी ब्राउजर से आप इस पे लॉग इन करके यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको बैलेंस शीट पहले एक्सट्रीमली लेफ्ट एक्सट्रीमली राइट में दिखती थी, बहुत ही इनकन्वीनियंट था, अब इसे काफी अच्छा बना दिया गया है। आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है। ओके सो इट्स फुल रिस्पॉन्सिव। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, या आपको इसमें ड्रिल डाउन भी मिलेगा। ठीक है, इसमें काफी सारे आपको ऑप्शंस है, आप इसे एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और सब यूजर्स से शेयर कीजिए ताकि वो ई वे बिल बनाना अच्छी तरीके से सीख सके। ओके, हैव गुड डे, थैंक यू।